पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह के नेतृत्व में उत्तर भारतीयों पर गुजरात में हो रहे हमलों को रोके जाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और जोरदार नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि गुजरात के साबरकांठा जिले में बच्ची से रेप के बाद स्थानीय लोगों ने जिस तरह कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है और उत्तर भारतीयों पर खासतौर यूपी बिहार के लोगों पर जानलेवा हमला होने से प्रदेश सरकार की चूक साबित हो रही है, इसीलिए प्रदेश सरकार को अविलंब ठोस कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाए। पिछले 3 दिनों से गुजरात में काम की तलाश में गए हमारे उत्तर भारतीय, इसमें खासतौर से बिहार एवं उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोगों द्वारा वहाँ पर जो है रोजी रोटी के लिए काम किया जाता है। वहाँ पर किसी बच्ची से रेप हुआ जिसकी जिला महानगर कांग्रेस कमेटी कड़ी भर्त्सना एवं निंदा करती है, परंतु उस एक बच्ची के रेप के बाद जिस तरीके से वहाँ पर पूरे उत्तर भारतीयों पर जो है जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिससे वहाँ पर हजारों की संख्या में हम लोग हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, ये वहाँ की सरकार की ढिलाई एवं सरकार की संलिप्तता सिद्ध करती है। तो हम लोगों ने अभी डीएम महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है और ज्ञापन के माध्यम से अपील की है कि किसी भी तरीके से इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव से पलायन रोका जाना चाहिए और वहाँ पर सम्मान उन्हें काम का जो अधिकार मिला हुआ है, जो संविधान ने प्रदत्त किया है, उसे किसी भी कीमत पर जो है नहीं रोका जाना चाहिए।